अरे भाई गिर जाऊंगा नहीं भाई गिर जाऊंगा या इट्स ओके। तो यहाँ पर मसाज पार्लर्स है। थैंक यू। तो देख सकते हो ऐसे कुछ प्राइजेस है मसाज के, जो भी चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू। ये देख सकते हो प्राइजेस 2 लाख डोंग है 60 मिनट्स के लिए। तो कल रात में होयान के मार्केट को कवर करके फिर से आ गया था हॉस्टल पर। फिर रात में ये लोग ना पार्टी करने जा रहे थे, मतलब यहाँ से ही बस थी फ्री में, जो होयान टाउन है ना वहीं पर एक पब्स है, मतलब बहुत सारे पब्स के लिए हैं, तो वहाँ पर ये लोग लेकर गए बस से। तो मैं भी चला गया था थोड़ी बहुत पार्टी की, उसके बाद आ गया और फिर सो गया था। अभी मैं जा रहा हूँ उस बास्केट बोट राइड को करने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा मैं मैड मंकी में रुका हुआ था। मैं ट्राई कर रहा था टूर इनसे ही बुक कर लूँ मैड मंकी से, बट यार दूसरे लोग अवेलेबल नहीं है और मैं आज अकेला जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ और कोई भी नहीं है, तो इसलिए फिर अकेले के लिए वो लोग टूर अरेंज नहीं कर पा रहे। तो उसी के बाजू में एक शॉप मुझे नज़र आती है, ये वाली देख सकते हो। तो इस वाले शॉप में मैं आ गया और यहाँ पर मुझे प्राइस देखी 1,60,000 डोंग पर पर्सन बास्केट बोट एवरी डे एट 9 AM। बट मैंने उनको बोला कि मुझे अभी जाना है, अभी दोपहर का 1 बज रहा है, तो फिर मैं आ गया यहाँ पर। सो हाय हाय, व्हाट्स योर लाइक शॉप नेम? चीनी। व्हाट? चीनी। ओके, यू कैन चेक ऑन द गूगल। ओके, माय नेम। सो यू हैव कांटेक्ट नंबर और लाइक वेबसाइट? Yeah, I had a WhatsApp phone number. Okay. Roughly. Where? This is the WhatsApp phone number. Okay. तो guys देख सकते हो इनका WhatsApp number है ये। अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग इनको contact कर सकते हो। तो बहुत सस्ते में यार, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा सही है प्राइस। कल मैं होयान में था, वहाँ के लोकल मार्केट में भी मैंने पूछा, वहाँ पर भी महंगा था, बट यहाँ पर देख सकते हो अभी ये मेरे को लेकर भी जाएंगे, मतलब पिकअप एंड ड्रॉप दोनों भी दे रहे हैं और साथ में बोट का टूर भी। सो थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज एन। एन? या या या। नाइस टू मीट यू। या, नाइस टू मीट यू। तो ये जो बास्केट बोट राइड है उसके साथ आप कुकिंग का क्लास भी कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर ही कुकिंग का क्लास है, तो उसके लिए आपको लगभग 3,60,000 डोंग पेड करना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने ये वाला क्लास का नहीं लिया था। देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी बास्केट बोट्स है भाई, मस्त लग रहा है ना व्यू यहाँ पर सारे पेड़, और कितना मस्त लग रहा है यार व्यू सच में। तो कुछ ऐसी रहती है देख सकते हो बास्केट बोट। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं, देख सकते हो बोट हमारी निकल चुकी है और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यार मैंने टाइम ही ऐसा चूज़ कर लिया, मैं सुबह आता तो सही रहता, बट मुझे जहाँ से मैंने अभी बुकिंग की उनके बारे में पता नहीं था, नहीं तो सुबह ही बुक कर लेता मैं। जहाँ पर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका नाम देख सकते हो वीना कुआ दाई, ऐसा कुछ तो नाम है। तो ये कोकोनट्स के ट्रीज है, तो इसके अंदर से मतलब एक छोटा सा पैच है, तो आगे लेकर जाते हैं। 1 आवर का टोटल राइड होने वाला है हमारा, मस्त मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हमने जो छोटा पैच क्रॉस किया लाइक बैक वाटर, तो अभी हम एक बड़ी सी जगह पर आ गए देख सकते हो, और यहाँ पर हर एक बोट में ना साउंड्स भी रखे हैं स्पीकर्स। अभी किसी ने स्टार्ट तो नहीं किया, आई थिंक सुबह सुबह ये लोग करते होंगे। यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह के 9 बजे या फिर शाम, मतलब इवनिंग के टाइम आ सकते हो। अभी का टाइम इतना सही नहीं है, बट मेरे को ना अभी यहाँ से दारांग निकलना था, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं आ गया। बट आपको चार्जेस वगैरह तो पता चल गया कितने लग सकते हैं पर पर्सन के हिसाब से। तो अभी एक ऐसी जगह देख सकते हो यहाँ पर कुछ कुछ लिखा है, तो यहाँ पर लोग खड़े होकर फोटोज़ लेते हैं। होयान आ रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना है, मतलब करना है। अभी तो स्पिन किया भी नहीं है, अभी स्पिन करेंगे आगे जाके, मतलब जो जो गोल गोल घूमता है ना वो वाला। अगर आपको और ज़्यादा फास्ट में चाहिए 1 लाख डोंग देने पड़ते हैं, जो कि प्रोफेशनल है वो आपको बिठा कर घुमाएंगे, क्योंकि इसमें देख सकते हो बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है जैसे कि लाइफ जैकेट्स वगैरह। वो देख सकते हो आगे एक बोट है, तो सामने देख सकते हो वो प्रोफेशनल बंदा कैसे घूम रहा है। तो अभी 1 लाख डोंग में मैंने ये बुक कर लिया देख सकते हो, अभी मेरे को घुमाने वाले हैं।
जाऊंगा। ओ नहीं भाई, गिर जाऊंगा मैं। या इट्स ओके भाई, कैमरा गिर जाएगा भाई भाई। दुनिया गोल गोल। ओ माय गॉड, भाई चक्कर आ रहे, चक्कर। ओ भाई, ओके 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 ओके। ओ भाई साहब, चक्कर आ गए। भाई मजा आ गया। 1 लाख डॉन्ग देना पड़ता है, बट ये स्विंग का मजा ही कुछ अलग है। सच में बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा, और अकेला हूं तो और मजा आया। यार अभी देखो कितने लोग आ गए हैं, मेरे को लग रहा था मैं अकेला घूम रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर म्यूजिक भी चालू हो गया है। वो देखो अभी वो सामने बंदा घुमा कर दिखाएगा। तो अभी निकल चुका हूँ फिर से यहाँ से, आगे कुछ शो भी चल रहा है, देख सकते हो बोट के अंदर ही खड़े होके मस्त म्यूजिक व्यूजिक बजा रहे ये लोग। हर एक बोट के अंदर 3 से 4 लोग है भाई, बट एक ऐसा ही बोट है जिसमें मैं अकेला बंदा घूम रहा हूँ। देखो हर एक इसमें 2 या 3 लोग है ही है। देखो सामने गाने गा रहा है भाई, लाइव सिंगिंग चल रही है, बट समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि वियतनामी सॉन्ग है ना भाई, कैसे समझ में आएगा। बट देख सकते हो उसी बोट के ऊपर स्पीकर वगैरह लगा रखा है। मैंने इन अंकल से बोला कि आप भी स्पिन करवा दो, क्योंकि 1,60,000 डोंग में ना स्लो वाला स्पिन भी इंक्लूड होता है। तो अभी अंकल घुमा रहे हैं। अभी मैंने छाता पकड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा धूप निकली है, बट आपको दिखाने के लिए कि ये लोग ऐसे घुमाएंगे आपको, उतना फास्ट नहीं बट ठीक है। अभी अगर आप एक हिसाब से सोचोगे 1,60,000 डोंग यानी कि मतलब 160 रुपये ही है इनके लिए, ये हम लोगों के लिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हम उसको कन्वर्ट करते हैं, बट इन लोगों के लिए उतना ही है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचोगे वियतनाम के हिसाब से, तो वियतनाम घूमना बहुत ज़्यादा सस्ता है, बट अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं वियतनाम बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है भाई, कुछ सस्ता नहीं है। पानी की बॉटल भी यहाँ पर 70 रुपये में आती है, 70 रुपीज़ में पानी की बॉटल आती है, बड़ी वाली 2 लीटर वाली, तो उससे आप प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं जहाँ से हमें पिकअप किया था उसी पॉइंट के ऊपर। तो अभी जस्ट बोट राइड को कंप्लीट करके आए हो, यहाँ पर एक मार्केट भी देख सकते हो कितना सस्ता मिल रहा है, 10,000 डोंग में मतलब टी शर्ट्स वगैरह मिल जा रहे हैं। तो यहाँ से भी आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पर साइकिल भी चला सकते हो, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है। तो अगर खुद से भी आ रहे हो तो यहाँ पर आकर आराम से घूम सकते हो। ये देख सकते हो क्लोज कैसे है यहाँ पर। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने देख ही लिया होया एंड टाउन कैसा है, यहाँ का एशियन टाउन, बास्केट बोर्ड का टूर भी देख लिया। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि मैड मंकी से बुकिंग करवाने से अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो मैड मंकी ये रहा, उसी के एग्जैक्ट लेफ्ट में यहाँ पर वो शॉप है जहाँ से देख सकते हो मिनी मार्ट लिखा है 248, वहीं से मैंने बुकिंग करवाई थी, और सच में बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा है मेरे को। मैड मंकी ने वही ऑफ़र किया था मेरे को 2,10,000 डोंग में, और इन्होंने ऑफ़र किया 1,60,000 डोंग में विद पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। मैड मंकी ने तो ये भी नहीं किया था। तो ऐसा ही होता है भाई, हमें पता नहीं होता, जस्ट मैं गया बाय चांस, देख सकते हो लक कितना अच्छा था मेरा, हो गया सब। तो अभी मैं अपने हॉस्टल में आ चुका हूँ, देख सकते हो यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है यार सामने, और ये कॉमन एरिया है। हेलो, यहाँ पर ये कॉमन एरिया है जहाँ पर सब लोग बैठते हैं,
तो अभी आते ही ना मुझे एक वेलकम ड्रिंक भी दिया है। लगभग यहाँ पर मैं कितना पेड कर रहा हूँ पता है आपको रेंट? 287,000 डोंग यहाँ पर मैंने पेड किया टू नाइट्स के लिए, आज की रात और कल की रात। कल मैं बाना हिल जाने वाला जैसे कि आपको बताया, तो अभी उन्होंने मुझे ये ड्रिंक दिया है वेलकम ड्रिंक। तो आज मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ देख सकते हो, सी हॉर्स हॉस्टल एंड बार। तो अभी मैं निकल रहा हूँ इंडियन फूड खाने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा भूख लगी अभी ना, मैंने सोच लिया है कि मैं इंडियन फूड ही खाऊंगा, क्योंकि वियतनाम फूड खाऊंगा फिर बीमार पड़ जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी ट्रिप 9 दिन की बची और मतलब सोच सकते हैं बहुत सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है। तो अभी जस्ट मैं होयान से आया, जैसे कि मैंने आपको हॉस्टल वगैरह बता दिया, तो फटाफट अभी बाइक टैक्सी बुक करते और जाते इंडियन रेस्टोरेंट में। तो जैसे मैं होयान में रसोई इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, दानांग के भी मैं वही रेस्टोरेंट में आया हूँ, क्योंकि खाना मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा था। बट आज मैं नॉनवेज खाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है दानांग वाला वो वेज नॉनवेज वाला है, और होयान वाला प्योर वेज वाला था। तो अभी सोचा कि यहाँ पर हम चिकन बिरयानी खाते हैं, मतलब हैदराबादी चिकन बिरयानी यहाँ पर मिल रही है दानांग में। तो अभी जस्ट मैंने खाना खा लिया और मैं आ चुका हूँ बाहर, इस एरिया में घूम रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो एक रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे मसाज पार्लर्स भी है यार। ये लेन थोड़ी अलग ही है, यहाँ पर भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रीट फूड मार्केट भी नज़र आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है। और ये अपना वही ऑक्टोपस, उसको सूखा कर ये लोग खाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, फ्रूट जूस एंड ऑल। ये कुछ क्या पता नहीं ये क्या खाते ये लोग, ये ड्राई फ्रूट जैसा। और ये देख सकते हो यहाँ पर चालू हो गया सी फूड। तो यहाँ पर मसाज पार्लर्स है, थैंक यू। तो देख सकते हो ऐसे कुछ प्राइजेस है मसाज के, जो भी चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, थैंक यू। ये देख सकते हो प्राइजेस 2 लाख डोंग है 60 मिनट्स के लिए, जैसे कि फुट मसाज वगैरह हो गया, नेक मसाज। सेम उस साइड भी, उस शॉप में भी। अभी मैं यहाँ से चलकर आया, मैं आ चुका हूँ बीच पे, देख सकते हो बहुत सारी चेयर्स लगी पड़ी है, जो लोग आकर चील करना चाहते हैं रात में भी आप लोग यहाँ पर आकर चील कर सकते हो। अभी रात में इतना बढ़िया लग रहा है, जब सुबह में आऊँगा तो कितना बढ़िया लगेगा। कल जो हमारा बाना हिल्स का टूर है उसको कंप्लीट करने के बाद थर्ड डे मैं यहाँ पर सुबह सुबह आने वाला हूँ, देखने के लिए कि बीच का माहौल कैसा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ का बीच भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कल हम जाने वाले बाना हिल्स, बहुत खूबसूरत जगह है, तो उसका वीडियो देखना मत भूलना। कहाँ से मैंने पैकेज बुक किया हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलूंगा जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।